हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी बैंक, कुछ काम है तो जल्दी में ही है, थोड़े 4 बजे तक तो बैंक बंद भी हो जाता है, उससे पहले पहुंचना भी क्या टाइम है। 2 मिनट में पहुंच गए बैंक। वैसे 2 मिनट में पहुंच ही जाएंगे, पर तो इसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है, हॉस्पिटल में भी काम है। कल से अभिषेक का ऑफिस शुरू हो रहा है तो इसलिए जाना। ये तो वहाँ है वृंदावन, क्या वृंदावन जहाँ उस टाइम आए थे, स्कॉन टेम्पल के बाहर। तो जो ये बैंक है, ये सेक्टर 17 में, तो जल्दी से जाके काम कर लेते हैं। ये कैमरे का एंगल पता नहीं, सेट करना नहीं आता मेरे को ठीक से। सो आई थिंक पहुँच गए हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत आ रही है। कहाँ है बैंक? पार्क करना यहाँ पे एकदम गली सी है थोड़ी, तो गाइस अभिषेक गए हैं बैंक के अंदर और मैं यहीं पे बैठी हूँ। और लग रहा है गलत डिसीजन ले लिया मैंने यहाँ पे रह के, क्योंकि अंदर कुछ तो फैन एसी वेसी कुछ तो होना था, और यहाँ पे गाड़ी में तो गर्मी लग रही है। क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया। देखते हैं कितना टाइम लगता है, ऐसा ना तब तक मेरा गर्मी से पकौड़े की तरह मैं तल ना जाऊँ। तो गाइस 5 मिनट में ही काम खत्म हो गया था और मौसम एकदम खराब हुआ है। अब मेरे को समझ आया, नहीं इसे बोलते हैं अच्छा वेदर। खराब मतलब के बादल है, इसलिए हम तो बोलते हैं खराब। जिस दिन बादल हो गए तो हम बोलते हैं खराब। अब मेरे को जो ये कैमरे का एंगल समझ आ गया, थोड़ा ऊपर करना पड़ता है हाथ, तब सही एंगल आता है। और मैं ऐसे नीचे लगाओ के पूरा अपना जो होता है ना फैट पूरा दिखा देती थी, अब जाके थोड़ा समझ आया। ये देखिए गाइस, हम मेरे को बार बार वृंदावन याद क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वृंदावन जाऊंगी। यो ये उसी रास्ते से आ रहे हैं, पहले भी देखा था। चलो मैं मौसम दिखाती हूँ बार बार एक चीज़ का। देखो ये देखिए बादलों से ढका हुआ पूरा आसमान, देखिए। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिटनेस का वो लेना ना, सर्टिफिकेट है ना, फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि कल से ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली बात है सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो हम यहाँ से जहाँ बैंक गए थे, मैंने बोला था हम 17 सेक्टर गए, तो हम 17 हम 31 गए थे। 31 से 40 हॉस्पिटल हॉस्पिटल का रास्ता नज़दीक है, सिर्फ 7 मिनट की दूरी पे है। इससे पानी क्यों गिर रहा है? किससे? इस कोक से। अभी ना अभी हिला दिया तुमने। अभिषेक को रास्ता पता नहीं है तो मैं एक गाइड बनके इनको बताऊंगी कहाँ जाना है। वैसे मेरे को खुद याद नहीं रहता है, पर फिर भी मेरी मेमोरी बहुत तेज़ तो मैं बताती हूँ इनको, क्योंकि ये जितनी बार भी है मैक्सिमम तो एम्बुलेंस से ही आए थे, वो भी स्ट्रेचर पे लेट के, तो इनको इधर उधर देखने का मौका नहीं मिला। हम भी तो एम्बुलेंस में जाते थे ना। उसके बाद जब अभी पिछली बार आए थे तो कैब से आए थे, इस बार अभिषेक सिंह खुद से जा रहे हैं, खुद ड्राइव करके। इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो चुका है, काफ़ी क्या तो हो चुका है, 99% तो है ना। अभी मैं रास्ता गाइड कर रही हूँ, जिसको खुद ही पता नहीं चलता। ये हम पहुँच गए सेक्टर 62, यहीं पे इसी सेक्टर में हॉस्पिटल है। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट एकदम यहाँ से लेफ्ट। थोड़ा बहुत याद है, जो याद है तो मैं बताती जाऊंगी। ये देखिए हॉस्पिटल सामने ये वाला 40 हॉस्पिटल को, यहाँ पे जाना है हमें। यहाँ से राइट लो, चलो यहाँ से राइट लेना, गेट नंबर 4 के को। तो फाइनली पहुँच गया, हमने जाना है एमरजेंसी वाले गेट पे,
फिर जाना है ओपीडी में, ये इसी में ना गेट नंबर 4, ये 5 है आगे। यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे भी ये जगह, यहाँ तो ये जगह चलाने इतना सब कर चला गया, यही लगा लो कहीं। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गेट नंबर 4। तो ये है कुछ हॉस्पिटल यहाँ का, इधर भी है सामने ओपीडी है, सामने जाना है एकदम सामने। यहाँ इमरजेंसी है, इसमें हम पहले गए थे जब स्टार्टिंग में आए थे। तो ये कुछ इस तरह है हॉस्पिटल। यहाँ कुछ कैफे टाइप है, एक स्टार कैफे ऐसा है कुछ। ये पूरा हॉस्पिटल, यहाँ की पार्किंग है, ये इमरजेंसी वाला है यहाँ पे, इधर कुछ ऐसा है। तो फाइनली गाइस हम वापस निकल चुके हैं। तो मेन था कि सिग्नेचर करवाना था, जो फिटनेस सर्टिफिकेट था उस पर सिग्नेचर करवाने थे, तो वो करवा दिया है। तो हम काफ़ी दिन रहे इस हॉस्पिटल में, अभिषेक आईसीयू में थे, तो 8-9 दिन आईसीयू में थे। तो हमारा सुबह का रूटीन रहता था कि हम 9 बजे निकल जाते थे घर से, क्योंकि वहाँ पे रुकना नहीं होता था, रुक वैसे भी नहीं सकते हैं ऑब्वियसली आईसीयू में थे। तो फिर हम 9 बजे निकल जाते थे, तो उसके बाद पूरा दिन 11 बजे मिलने का टाइम होता था, 11 से 11:20, सिर्फ 20 मिनट हम मिल सकते थे, जिसमें 3-4 लोग, एक एक लोग ही जा सकता था एक टाइम पे। तो दो दो तीन तीन मिनट का मिलने का टाइम होता था एक एक पर बंदे को। तो उसके बाद पूरा दिन हम वेट करते थे, कभी सिटिंग एरिया में वहीं बैठते थे मैक्सिमम टाइम, तो कभी सोना हो तो कभी चेयर पे ही सो जाते थे, ऐसा ही कुछ था। तो फिर सीधा शाम को होता था 5 बजे मिलने का टाइम, फिर हम 5 बजे से भी 5:20 तक, सिर्फ 20 मिनट, क्योंकि आईसीयू में थे तो इन्फेक्शन वगैरह इन सब का डर रहता था। और उसके बाद हमने ले लिया था पर्सनल रूम हॉस्पिटल में, तो फिर वहाँ पे फिर तो रुकने का रहता था, दिन भर अंदर बैठ सकते थे जिन्होंने भी बैठना है। तो शाम में तो मैं रुकी थी, तो एक दिन पापा रुके थे बीच में, बाकी मैं रुकती थी, क्योंकि मेरा घर पे ऐसे हो जाता था थोड़ा मन नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं ही रुक जाती हूँ। तो फिर वही था हॉस्पिटल की हमारी 40s की कहानी थी। फाइनली अब तो इसके बाद जाना नहीं रहेगा, आज लास्ट टाइम चले गए हैं, जो काम था वो ख़त्म हो गया, इसके बाद हम नहीं जाना रहेगा। तो कुछ ऐसा ही था। तो गाइज अब हम जाने लगे अपने घर। तो गाइज अब हम रूम पहुंच गए हैं, हम तो क्या मैं अभी आई हूँ, अभिषेक गाड़ी को वॉश कराने गए हैं, तो हम डायरेक्टली आ गए थे। मैंने सोचा था सेल्फी स्टिक ले लूँ, क्योंकि इससे हाथ से जैसे मैं फ़ोन पकड़ती हूँ एंगल समझ नहीं आता है, कहीं मैं मेरा फेस कुछ अजीब लगता है, कहीं किसी एंगल से अजीब, तो समझ नहीं आता है। तो या तो शाम तक कहीं निकलेंगे अगर तो, या कल तक, फिर कल से तो अभिषेक बिजी हो जाएंगे, स्टोर जाना है सुबह 9 बजे से, फिर शाम में तो वह लेट हो जाती है, तो फिर देखते हैं कैसा रहता है। बट सेल्फी स्टिक लेना भी ज़रूरी है। तो कुछ आज का ब्लॉग ऐसा ही था। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।